हाय दोस्तों, वेलकम टू बुमा टियारा। मैं हूँ कुरबी और नए साल में इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी विंटर वेयर, और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी कुछ टाइम से कि विंटर वेयर हॉल लेके आओ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितने भी विंटर वेयर आपको दिखाऊंगी ना, मतलब स्वेटर, कार्डिगन और जैकेट्स वगैरह दिखाऊंगी ना, कोट भी है। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाओ और बजट में दिखाओ, तो मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोट्स वगैरह बजट में ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने ढूंढ निकाले हैं कुछ एंड इनको मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक बेसिक ये टर्टल नेक एक स्वेटर से, जो कि हम सभी के पास ज़रूर होनी चाहिए। इसको लेयरिंग में आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसका कलर मरून है, तो इसको आप ना बहुत इजीली मैच कर सकते हो किसी भी और किसी भी कोट वगैरह के साथ, इजीली इसको आप पहन सकते हैं अंदर। और इस तरह की जो स्वेटर होती है ना, वो आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, एज ए ब्लाउज, मतलब टॉप की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पहनती हूँ, बहुत सुंदर दिखता है। इसका जो फैब्रिक है ये रिप्ड कॉटन है एंड बहुत थिक वाला जो होता है ना कॉटन, जो बहुत एक गर्माहट देती है, इस तरह की ये फैब्रिक है। तो आप बहुत आराम से इसको लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड ऐसे ही इसको पहन सकते हैं। बहुत स्लिमर लुक भी हमें मिलता है। तो साइज़ मैंने इसमें एस लिया है एंड क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है ना, तो बहुत अच्छे से इसमें आपको ये फिट आएगी। यहाँ पे मैंने एक स्वेटर डाल के भी आपको दिखा रही हूँ, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये स्वेटर भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो लेयरिंग में इस तरह की जो स्वेटर होती है बहुत ज़्यादा काम आती है एंड जैसे मैंने कहा, साड़ी के साथ भी आप पहन सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। तो फर्स्ट मेरी ये स्वेटर है जो बहुत बेसिक है एंड बहुत काम की है, ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्लेज़र जो कि ब्लैक कलर में है एंड इस तरह की चेक इसमें प्रिंट है, चेक्स है इसमें। तो इसकी जो स्लीव है आप देखो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे गेदर्ड मिल जाती है, थोड़ी सी पफ डिज़ाइन में आपको मिलती है यहाँ पे एंड कुछ इस तरह की है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह की है। तो ये जो ब्लेज़र है ना, ये ज़्यादा थिक फैब्रिक में नहीं है, कॉटन है, थोड़ा सा थिक कॉटन में है, बट हाँ इसको आप जस्ट ऐसे ही पहन के नहीं जा सकते, इसके अंदर लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप सभी को भी पता है ब्लेज़र वो भी बजट में मिलना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप उस मतलब अच्छी क्वालिटी का कोई ब्लेज़र लेने जाओ तो। तो इसकी जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है देखने में, लुक वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसमें ये क्योंकि इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा पतला है, तो आप समझ सकते हो इसके अंदर आपको लेयरिंग करनी ज़रूरी है, बट लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक ब्लेज़र है। आप देखो कुछ इस तरह की है ये, ठीक है, और ये हल्के फुल्के ठंड में आप पहन सकते हैं, ऐसे ही पहन सकते हैं और अंदर लेयरिंग कर लो तो बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो ब्रांड है ये है कॉटन फिब एंड साइज इसमें मैंने एम लिया है, तो इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिटिंग्स इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये एक वुलन कार्डिगन है जो कि लॉन्ग कार्डिगन है। इस तरह की लॉन्ग कार्डिगन हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है, हम इसको साड़ी, सूट, कोई भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी इसको हम पहन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली इस तरह की स्वेटर होती है। तो ये जो कार्डिगन है ना, इसमें मैंने साइज़ लिया है एम, और जब भी मैं कार्डिगन, स्वेटर वगैरह, जैकेट्स लेती हूँ तो एक साइज़ बढ़ा लेती हूँ। जैसे मेरी नॉर्मली कुर्ती वगैरह में मैं एस साइज़ लेती हूँ, तो ये आप लोगों को भी पता है एक साइज़ हमें बड़ी लेनी ज़रूरी होती है क्योंकि अंदर हम कोई ड्रेस के ऊपर ही इसको पहनते हैं, तो एक साइज़ बड़ा लेंगे तो कंफर्टेबल होगा ज़्यादा। तो इसमें भी एक साइज़ मैंने बड़ा लिया है, एम लिया है, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है एंड देखने में बहुत सुंदर दिखता है इस तरह के कार्डिगन, और बहुत ज़्यादा काम आती है। इसमें आपको एक साइड में पॉकेट पर मिल जाती है, राइट साइड में ये पॉकेट है, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है इसका फैब्रिक, दो ये वुलन है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं है एंड बट बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात इसकी कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत यूज़फुल एक कलर है। तो ये कार्डिगन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रूर आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल सा एक कोट जो कि ब्लू कलर में है एंड पूरे में इसकी सेल्फ प्रिंट है, ठीक है, ये फैब्रिक में है और इसका ब्रांड है बीवा, तो क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कुछ इस तरह की है, ये फुल स्लीव है, स्लीव के एंड में कुछ इस तरह की एक स्लिट मिल जाती है एंड ये मुझे ना, मुझे लगा इसका साइज़ अगर मैं 32 लेती तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आता, इसमें मैंने साइज़ लिया है 34। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको, मैं हमेशा एक साइज़ बढ़ा लेती हूँ, बट पता नहीं बीवा ब्रांड से मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह की कोट ट्राई कर रही हूँ, तो ये
मुझे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसमें मुझे 32 ही चाहिए होगा, तो कुछ इस तरह की है ये। एंड पहनने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड इसको आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हो, ऊपर आप डाल लो, कोई भी वेस्टर्न वेयर के साथ तो आप इजीली इसको मैच कर ही सकते हो, इंडियन वेयर के साथ भी इसको आप पहन सकते हो। तो कुछ इस तरह की है ये। तो इसमें गर्माहट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, उसमें बिल्कुल कमी नहीं है। तो अगर आप इस तरह की कोट्स पसंद करते हो तो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं, तो आप कोई भी एज ग्रुप की लेडीज़ इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर दिखेगा। आपको दिखाऊंगी ये स्वेटर जो ग्रे कलर में है एंड वी नेक में है। इस तरह की जो स्वेटर है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आप देखो थोड़ी सी शॉर्ट में है। एंड स्लीव इसका कुछ इस तरह की है, जो एक होता है ना ड्रॉप स्लीव जो होता है, जो इस तरह की थोड़ी सी नीचे से होती है ना, उस तरह की स्लीव में है ये। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, लोग अभी बहुत मतलब पहनते हैं इस तरह के स्वेटर को, तो मैंने इसको लिया है। एंड इसका जो ये वुलन एक स्वेटर है, पहनने में बहुत वर्म है। के अंदर मैंने ये जो पहले आपको दिखाई थी ना एक मरून कलर की जो टर्टल नेक स्वेटर, इसको अंदर डाल के मैंने इसको पहना है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। एंड ये ना मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किया था, बट मुझे ये ग्रे कलर में मिला। दो पिक्चर में कहीं भी ग्रे कलर का नामो निशान नहीं था, बट मुझे ये ग्रे में रिसीव हुआ है। बट उसके बावजूद भी मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तो इस तरह के स्वेटर को आप कोई भी जीन्स, कोई भी बॉटम में कोई पैंट्स पहन रहे हो, स्कर्ट पहन रहे हो, उसके ऊपर पहन सकते हैं, कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं, सुंदर दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह की है ये स्वेटर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने लिया है ये पिंक कलर में, क्यूट सा ये हाफ स्वेटर है। और इस तरह के स्वेटर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, कोई भी आपने फुल स्लीव कोई भी स्वेटर आपने पहनी है उसके ऊपर पहन लो, बहुत सुंदर दिखता है। एंड मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर के ऊपर पहनी है, ब्लैक कलर के साथ तो अच्छा दिखेगा ही। इसको आप व्हाइट के साथ भी पहन सकते हैं, मरून के साथ पहन सकते हैं, बहुत सारे और कलर के साथ पहन सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की है, वी नेक में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत स्मार्ट लुक देता है इस तरह की जो हाफ स्वेटर होती है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो ज़रूर आप ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, ये मेरे पास एक स्वेटर है जो भी एक हाफ स्वेटर है, और ये स्लीवलेस कुछ इस तरह की है, ठीक है। एंड इसका जो नेक है ये कुछ इस तरह की है, मॉक नेक में है ये। तो ये जो है ना, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये इतनी ज़्यादा काम की है। कोई भी ऐसी है स्वेटर है जिसके अंदर आपको लेयरिंग करनी है, तो जस्ट आप इसको पहन लो, ये बिल्कुल आपका जो चेस्ट एरिया है ये कवर करके रखेगा, और बहुत ज़्यादा काम आने वाली एक स्वेटर है, ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। तो ये कुछ स्वेटर है, कार्डिगन्स है जो मैंने लिए हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है आपको साइज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड नए हैं चैनल पर आपको मेरे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी दिन किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।